इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से वृद्धाश्रम में दीपावली मनाई। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्धजनों के साथ अंताक्षरी भी खेली और सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हर साल की तरह इस बार भी वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव का त्यौहार मनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने यहां अपनी पूरी टीम के साथ नसीब अंताक्षरी खेली बल्कि वृद्धजनों के बीच गाने भी गाए। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जी ने पेट्रोल भाव कम किए हैं और जनता को दीपावली का तोहफा दिया है। वहीं अब राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। वहीं प्रियंका गांधी ने बयां किया कि डर के कारण भाव मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के कम किए, दिल से नहीं किए हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि डर हो या दिल हो, सवाल यह है कि भाव कम तो किया। अगर डर हो होता तो इलेक्शन के पहले भाव कम कर लेते और इलेक्शन में जितना भी विपक्ष ने दुष्प्रभाव किया, दुष्प्रचार किया, उसका जवाब जनता ने उनके गाल पर करारा तमाचा मारकर दिया है और एनडीए को सारे देश में जीत मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये डर नहीं है, सरकार की जवाबदारी है। जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा है तो हमारी भी जवाबदारी है कि हम जनता के हित में काम करें। हिमाचल प्रदेश और बंगाल में हार पर बोले, बंगाल में तो चुनाव होते नहीं हैं, बंगाल में सिर्फ पोलिंग बूथों पर कब्जा होता है, पोलिंग एजेंट को किसी भी पोलिंग बूथ पर बैठने नहीं दिया। वहीं हिमाचल की जो हार हुई है वो चिंता का विषय है, उस पर पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है। हाँ जी, कैसे लोगों को बधाई देते हो पूरे प्रदेश में? अच्छा लगता है सर, ये जो अपने परिवार से दूर रहते हैं उनके साथ पारिवारिक वातावरण में त्यौहार मनाने का आनंद अलग होता है। और हमारी पूरी टीम लगभग 25-30 वर्षों से यहाँ आती है रक्षाबंधन और दीपावली पे। वास्तव में इन लोगों के साथ बैठकर इनके चेहरे पे जो खुशी होती है, ऐसा लगता है कि दिवाली मन गई। तो वास्तव में दिवाली यही मनती है। नहीं, जरूरी भी थी थोड़ा सा, लोगों में उसको लेकर काफ़ी विश्वास था सरकार पर और विश्वास के अनुसार सरकार खरी उतरी। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी राहत जनता को मिलेगी। Thank you.